ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस कण में स्वाद कण में भारत तो यू है कि जो भी विदेशी आए यहाँ हाँ। और जिन्हें मुल्क पर कब्जा करो मेरे तो उनसे खिलाफ ही रहे ये है मेरा मसला यहाँ पे उन्नीस के दौरान ये था कि यहाँ के जो मुसलमान हैं या ये जो मेवाती हैं वो पाकिस्तान जा रहे थे महात्मा गांधी ने उनको कहा आप यहाँ रुके हाँ भाई कुछ तो चले गए पाकिस्तान हम भी तैयार बैठे गांधी जी ने तसली दे दी अब भाई हम लड़ा मारे दुश्मनन ने अब लड़ाई ना हो और त्यौहार हक बराबर मिले राम राम नमस्कार मेरा नाम सोनिया है और इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं अब ये जो आज आपको कहानी बताने वाले हैं इस कहानी को सुन के आप सभी के जहन में बहुत सारे सवाल होंगे एक गर्व की भावना होगी अब भावुक भी होंगे मैं हूँ यहाँ पर नुह ज़िले के गांव घासेड़ा में घासेड़ा वो गांव जिसे गांधी ग्राम कहा जाता है और ये जो आप मेरे पीछे पट्ट देख रहे हैं ये इस गांव के संघर्ष की मेवात की माटी की जो भावना है अब जो यहाँ की पीड़ा है वो बता रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है गौरवपट गाँव घासेड़ा खंडनू ज़िला नू घासेड़ा मेवात का ऐतिहासिक गाँव है इस गांव को गांधीग्राम भी कहा जाता है क्योंकि राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने बंटवारे के वक्त यहाँ भाईचारे की मिसाल कायम की थी इस गांव को औरंगजेब ने हाथी सिंह बड़गुज्जर को इनाम स्वरूप दिया था जिसकी जागीर में बीस गांव थे इसके आगे लिखा हुआ है इधर आप देखिए अप्रैल सत्रह में भरतपुर के राजा सूरजमल ने बहादुर सिंह को पराजित कर घासेड़ा रियासत को खत्म कर दिया था यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया था जिसके परिणाम स्वरूप बीस क्रांतिकारियों को फरवरी अठारह को सूली पर लटका दिया गया था जिनमें से कुछ का नाम इस प्रकार है रिजवान समारा बहादरी लीला असीला बने सिंह धुंदल और मुराद खां ये आप यहाँ के उन क्रांति वीरों के नाम हैं जो आप इस समय पढ़ रहे हैं इस गौरव पट पर आगे इस गांव में हम चलते हैं हम यहाँ के बाशिंदों से जानते हैं इस गांव के और भी इतिहास के बारे में यहाँ के लोग बा क्या कुछ कहते हैं ये यादें किनको याद हैं सेड़ा में घूमते घूमते मुझे बयानवे साल के बाबा मिले इनसे इस गांव के बारे में हम जानेंगे जिस समय इनका जन्म हुआ तब ये गांव कैसा था आज 2024 में ये गांव कैसा है आ, बाबा जी जब आपका जन्म हुआ तब ये गांव किस तरह का था और आज किस तरह का है क्या क्या सुधार देखते हैं जब तो भाई गरीबी ही पहले से हाँ। अब गरीबी ना है अब तो गुजारो कर रहे हैं लोग ठीक अब अब जैसे पहले जीवन यापन कैसे होता था क्या करते थे काम काज करे ऐसा के पानी की बहुत कमी है इस माटी में है ही ना पानी जमीन में है ही ना खारी कड़वा पानी जहर जैसे नमक हाँ। तो फिर बोते क्या अभी पानी मिल जावे नहर को हाँ। नाले को कैसे गुजारा हो और और पहले आपके समय में सिर्फ सुबहवे हाँ। जो बोवे हां यही पैदा हो गई हां और चना बारिश अच्छी हो जाए चना हो जाए हुँ। हाँ। हुँ। तो बाबा उस समय आप जब आप देखते होंगे अपने बुजुर्गों को वो इतिहास बताते होंगे यहाँ की अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी आप लोगों ने और भी कई सारी लड़ाई लड़ी तो उनके बारे में जरा बताएं यहाँ की इलाका मेवाद के इतिहास के बारे में इस गांव के इतिहास के बारे में इतिहास तो यू है कि जो भी बदेशी आए यहाँ और जिन्हें कब्जा करो मेव तो उनके खिलाफ ही रहे ये है मेरा मतलब खूब लड़ाई जो मुसलमान कब ये हिंदुस्तान में राज करो आके उन मेवन की लड़ाई रही हुँ? वो तस्लीम न करे हु? और ना अंग्रेज करे बाकी मेवन से खूब लड़ाई लड़ी हु? और खूब सिरे मारे फेर जी है। यहाँ पे उन्नीस सौ के दौरान ये था कि यहाँ के जो मुसलमान है या ये जो मेवाती है वो पाकिस्तान जा रहे थे महात्मा गांधी ने उनको कहा आप यहाँ रुके हाँ भाई कुछ तो चले गए पाकिस्तान हम भी तैयार बैठे तो चौधरी यासिन हमारे लीडर और एक वाह काका हो सुबहदार ये दोनों मेवात के लीडर है वो वो चले जा रहे हो पाकिस्तान को सुबहदार खान बहादुर चौधरी यासीन जो हो वहाँ ने रोकी दुनिया वहाँ के वारंट कटे पड़े तुमको पढ़ो सरकार तो फिर गांधी जी ने वाके वारंट खत्म करवाए और फिर चौधरी यासीन गांधी यहाँ लाए घास में तो यहाँ पब्लिक पड़ी जंगल में बाहर की जत्थे काफले जा रहे पाकिस्तान तो गांधी की वजह से वो सारे रुक गए फिर गांधी ने वो रोक लिए सारे वापस चले गए अपने घरन को पहले जो गए वो चले गए बाकी कोई को पाछे गांधी जी ने तसली दे दी अब भाई हम लड़ा मारे दुश्मन ने अब लड़ाई ना हो सक और हक बराबर मिले ये बात भूमि अच्छा उस समय का दृश्य वो कि वो किस तरह का रहा होगा बाबा कहा वो उन्नीस सैतालीस का जब लोग जा रहे थे सब ने अपना सामान सब तैयार कर लिया था हमने तैयार कर लिया पाकिस्तान से गांधी जी की वजह से रुक गए गांधी ने रोक दिए चौधरी यासिन लाया हुआ है तो सारे में रुक गए कोई ना हो पहले जो चलेगी जो चलेगी मैं हाँ, तो यू देखो हमने तो भाई हो, तो जो चले गए उनसे बातचीत होती है हाँ, भाईचारा बना हुआ हूँ मैं गए हूँ कई दफा कौन कौन से इलाके में गए वो मैं तो ललपुर गया लाहौर गया मुल्तान गया चीचावासरी गया ट गए कई जगह रिश्तेदार है हमारे वहाँ hmm. कई जगह पंजाबी है वहाँ पंजाब में हरियाणा के भी लोग वहाँ हरियाणवी बोलते कई सारी वीडियो में देखे कोई पंजाबी बोलता दिखता कोई हरियाणवी बोलता दिखता देखो ऐसी बात है hmm. आपस में तो वो बोल रहा अपनी बोली hmm. हरियाणा की hmm. और जब पंजाबी से बात करा जब वो पंजाब बोल रहा ऐसे मैं देखो तो 47 की लड़ाई का कुछ और आपको याद हो किस तरह से मांएं रोटी पकाती थी अनाज की भी उस समय कमी होगी डर भी होगा बहनों को कि भाई हमारे कब घर में आएंगे पत्नियों को अलग डर होगा लड़ाई तो खूब हुई है यहाँ खूब हुई लड़ाई हम्म लड़ाई तो खूब हुई गांव-पूके हम्म बाकी फिर पांच बंद होगी लड़ाई अंग्रेज एकदम आते थे अटैक करने अंग्रेज हां अंग्रेज तो छोड़कर चले गए लड़ाई लड़ाई बोगे यहाँ लड़ते रहो अपने पार बोल अंग्रेज है जब जब हो गो, अंग्रेज तो छोड़ के चले गए यहाँ इस मेवात पे यहाँ पे इस गांव में जब अंग्रेज हमला किस तरह से करते एकदम करते थे बता के करते थे क्या होता था भाई है, कि हमें पसंद क्या हमला हमला के हमें पसंद आ हमारी उम्र कहाँ उनने भी ना देखे हमारे दादा ने पहले तो पहले पुरानी बात अच्छा फिर आपके दादा ने और क्या क्या बताया उस समय का इतिहास जो आपको याद हो कुछ किससे भाई इतिहास बता दिए मैंने भाई मेवन ने तो कोई बाहर के जिन्हें राज करो चाहे वो अंग्रेज ने करो या मुसलमान ने करो का ने तस्लीम ही ना करे वो तो कबूल ही ना करे भाई हम लड़ाई रही उनसे ठाकर ने डोड़ा दिए उनको सचाई यही बाबर के साथ है, हसन खान मेवाती साहब हाँ। ने मना कर दिया था उनका साथ देने को बेर बाबर ने बुतेर समझाओ हाँ। ये हसन खान हाँ। हम भी मुसलमान आदमी मुसलमान नामान, नामान हो ना, ना, ना।, ना। तस्लिम मैं यहाँ बता रहा हूँ मेवन ने अंग्रेज और जो मुसलमान यहाँ आए वो तस्लीम ना कर सीधी सी तो बड़ा लड़ाका रही है ये धरती बड़ा लड़ाका रही है ये जमीन हाँ है हाँ लड़ा अरे अनपढ़ आदमी है ये मरने गिरने से डर पाना <laughs> पढ़े लिखे से है तो पापा क्यों रहा है ऐसा कि यहाँ पहले से ही ऐसा रहा की पढ़ाई लिखाई कम रही है अब तो ठीक हो अब तो अब हो रही अब तो हो रही है हाँ। अब कोई ना पढ़ा है ना सरकार जोर दे रही है पढ़ाई पे सरकार जोर दे रही है और पढ़ा रही है और मदद भी कर रही है गरीबन को फीस भी ना ले रही है कपड़ा भी दे रही है खानो भी दे रही है अब कोई ना पढ़ा से उनकी वो उनकी बदकिस्मती अच्छा जब ये आप लोग 1947 में जब जा रहे थे उस समय आप कौन सी कक्षा में थे मैं हाँ। मैं छठी ना छठी में सातवीं में छठी सातवीं में होंगे जब आप लोग यहां से पाकिस्तान की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे उस समय जो जा रहे थे उनके लिए गम था जो चले गए थे उनके लिए गम था। भाई गम तो आ गई है देखो फोन आज जब जावे, देखो गम तो आ गई। तो महात्मा गांधी आई वो कैसा उस समय का दृश्य था, कैसा माहौल था सब लोग रो रहे थे, क्या कर रहे थे? तो सब जब तो गदर मच रहा हो, जब गांधी ने रोक याक है, लड़ाई खत्म करवाई, रुकी पब्लिक को फिर आके अपनी अपने घरों पे आ गए थे जमीनों पे कोई कब्जा कुछ जो चले गए फिर उनकी जमीन का क्या हुआ क्या रहा जमीन कस्टोडियन में चली गई मतलब सरकार तो, ने ले ली ने। हाँ, फिर आप लोग अपने अपने घरों पे आ गए तो हम तो गए ही ना हम तो यहीं गए हम ना गए हाँ। हम ना गए छोड़कर हाँ। यहाँ बाहर की पब्लिक ही राजस्थान वो जा रहे है यहाँ उन्हें डेरा डाल दियो अकबर गांधी आरो रुक जाओ कल चलेंगे फिर गांधी की वजह से वापिस चले फिर इसमें मेवात में जुड़ गया राजस्थान का एरिया कुछ उत्तर प्रदेश का एरिया कुछ हरियाणा का एरिया ये तीन जगहों का वो हो गया जमावड़ा जो है ना ये अलवर राजस्थान की हाँ। ये दोनों जिले हमारे हाँ। मेवा से मिलते हैं हाँ। ये वहाँ में मेव है और यहाँ गुड़गा में तो तीन इलाकों के लोग यहाँ पे बस गए तभी से बसे हुए हैं फिर ये जिला बना दिया नू नूह जिला बना बाद में जिला बनाने से फायदा हुआ नुकसान हुआ फायदा जिले बनने फायद ना, फायद तो नुकसान अच्छा आदमी फायदा तो यहाँ की करते हैं कुछ ऐसा काम क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि सियासत जो घरानों की चली आ रही है कोई आम घरों का लड़का तो उभरता देखा नहीं या लड़की देखी नहीं उभरती हुई कोई ऐसी सियासत में ना लड़की पढ़ रही है पढ़ रही है सियासत की बात कर रही हूँ मैं सियासत में लड़की नहीं है एक है वामा है हाँ। चौधरी यासीन की हाँ। पोती है यानी मेवात रो की हाँ। एम एल बना है अब हाँ। के हार गई हो हाँ। हाँ। है मेवात हाँ। जाहिदा जाहिदा हाँ। हाँ। तो फिर इन नेताओं ने क्या अपने अपने घर भरे हैं कुछ विकास कराया नहीं करा अरे सच्ची पूछा है ना हाँ। तो ये मेव, नियो नियो की ना चले जगह देख रहे हैं ये है घासेड़ा गांव की प्राचीन चौपाल अब इसके भीतर मैं आपको लेकर चलूंगी लेकिन ये जो है ये छोटा सा जो है यहाँ मैं देखूँ इस तरह के जो पशु हैं चाहे भैंस की बात करूँ चाहे मैं यहाँ छोटे छोटे बछड़े काटड़े वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे यानी खेती करती बेल्ट है ये खेती करते हुए लोग हैं यहाँ के तो आगे जो है वो ये चौपाल है बहुत खूबसूरत चौपाल ये तो हाँ ये कब की है भाई इतिहास बता सके इसका मैं नहीं बता अच्छा नहीं बता पाओगे आपने कभी सुना हो यादगिरी में ये पुरानी चौपाल बताते हैं तो देखिएगा बड़ी खूबसूरत चौपाल है यहाँ पे और ये शायद ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है कि इस चौपाल में यहाँ पे कुछ के गए हैं अभी अभी बच्चे क्या पढ़ाई होती है इस्लामिक पढ़ाई होती है इसमें कौन पढ़ाते हैं अच्छा तो यहाँ पे इस चौपाल में लोग भी आके बैठ जाते हैं कुछ पढ़ाई लिखाई भी होती है यहाँ पे लोग नहीं बैठते अब हाँ। बच्चे आते हैं बच्चे आते हैं, हैं। अच्छा कौन पढ़ाते हैं आसिफ कौन है ये के अच्छा लंबरदार के वो बच्चे हैं तो स्कूल जाते हो स्कूल नहीं जाते अभी ना ना एडमिशन एडमिशन हुआ नहीं जिनका एडमिशन हुआ उनको यहाँ पे पढ़ा देते हैं भाई हाँ इस्लामिक पढ़ाई होती है इस क्या सुना इस चौपाल के बारे में ये बहुत पुरानी थी हाँ? और इसमें वोटिंग भी होती थी जैसे पंचायत बैठती थी इसमें पुराना पुराना अच्छा अच्छा तो ये आप यहाँ की घासेड़ा गांव की ये चौपाल देख रहे हैं और यहाँ पे ये इस गांव के बच्चे पढ़ते हैं हालांकि स्कूल भी है यहाँ पे लेकिन जिनका दाखिला स्कूल में नहीं हुआ उनको यहाँ बिलाते लाते हैं और उनको यहाँ पर पढ़ाते हैं घासेड़ा गांव में और भी आगे चल लेते हैं दोस्तों बता देते हैं दिखा देते हैं किस गांव की क्या क्या खूबी है और अब इस गांव का जो एक इतिहास है जिसको अब गांधी का बोलते हैं 2024 में यहां क्या तब्दीली है कैसा दिख रहा है ये गांव आइएगा मेरे साथ वर्ष 2024 के दौरान इस गांव के सरपंच कौन है अब उस दौरान क्या कुछ इस गांव में विकास हुआ है क्या नया रहा है इस गांव में ये हम जानने की कोशिश करेंगे भाई आपका नाम मेरा नाम इमरान है आपका नाम सर जमील अहमद जमीला आप सरपंच हैं यहाँ के कितने वर्षों से मुझे दो साल हो गए ये भी दो साल हो गए हैं तो इस गांव की जो तासीर है ज़रा उसके बारे में बताएं क्योंकि हमने बहुत ऐतिहासिक तौर पे बहुत सुना बहुत पढ़ा इस गांव के बारे में ये गांधी ग्राम घासेड़ के नाम से जाना जाता है इसकी एता... और नूह डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है लगभग गांव के अट्ठाईस हज़ार की आबादी पॉपुलेशन है दस समथिंग वोट है और रहा इस ऐतिहासिक का मामला ये है कि जब अपने सन उन्नीस को बाहर से पाकिस्तान जा रहे थे मुसलमान अपने बापू महात्मा गांधी जी ने गांव घासेड़े में आकर यहाँ के यासीन हैं और भी सारे मोजिज़ लोगों के साथ आकर गा, गांधी ग्राम घासेड़े में आकर सबको यहीं पे आसपास के लोगों सब को इकट्ठा करके सबको यहाँ पाकिस्तान जाने से रोका था उसके नाम तभी से इसका नाम गा, महात्मा गांधी जी गांधी ग्राम घासेड़ा के नाम से जाने जाने बचपन से आप ये किस्सा सुनते होंगे बड़ा प्राउड फील करते होंगे बिल्कुल बिल्कुल जी अब एक और ये कहा जाता है मेवात क्षेत्र के बारे में कि भले ही क्षेत्र पिछड़ा हुआ हो लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन बहुत हम ये के इस वालों ने की मेवात के भी आस पास के भी मैं कहता हूँ की अंग्रेजों को बाढ़ तक खुदवा दी थी हमारे मेवातियों ने इतना अंग्रेज इतने डरा दिए थे बिल्कुल जी उस समय तो हथियार भी बड़े कम होते थे मैं कहता हूँ मे बात ये है कि अपने हाथों से हथियार बना लेते हैं तब कोई जंग का मामला आता हाँ। जोश जज्बा जुनून बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये बड़े अफसोस की बात कहूँ मैं कि रोजगार की यहाँ बड़ी कमी रही है रोजगार की कमी है लेकिन पहले से अनपढ़ता थी शिक्षा कम थी अब धीरे धीरे शिक्षा भी बढ़ रही है रोजगार भी बढ़ रहा है बच्चे नौकरिया भी लग रहे हैं सरकारी टीचर भी लग रहे हैं काफी वो पहले से ज्यादा हुआ है और जैसे मैं ये स्कूल देख रही हूँ यहाँ भी मैं देख रही हूँ काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो शिक्षा में भी क्षेत्र में कहूँ कि धीरे 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 आ रहा है पटरी पे जी जी धीरे धीरे पटरी पे बच्चे आ रहे हैं सब सारे बच्चे तो छुट्टी भी है संडे है फिर भी बच्चे देख लो आ रहे हैं है। आप यहाँ यही इसी मिट्टी में आप जन्मे जी तो क्या बताना चाहेंगे यहाँ इस गांव के बारे में सरपंच बता रहा हूँ तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आप जब यहाँ बचपन से बहुत सारे किस्से सुनते आए होंगे मेवात के बारे में इतिहास के बारे में इस पूरे मेवात का कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का या कुछ इस तरह का जो आपको बड़ा गौरवान्वित करता हो ये मुसलमान नहीं फते अंग्रेज जो है मुसलमान नहीं हराए मुसलमान शहीद हुए जितने भी हुए इसने जंग करा हमसे उसने देश आजाद करा मुसलमान ने आज ना बहुत सारे जो है लोग बाग ये बट गए कि हिंदू मुसलमान में है ना उस समय देखो सब लोगों ने एक साथ लड़ाई लड़ी देखो जी हमारे यहाँ तो एक ही है सारा ही कोई ये नहीं है कि हिंदू है मुसलमान है हमारे ये नहीं इसमें अब भी एक ही बात है और पहले भी हिंदू आबादी भी रहती है यहाँ रहती है छत्तीस बिरादरी कोई इसका तो ऐसा ये नहीं होता कि डोमिनेंस वाला के एक ही जाति, एक ही धर्म, वो ऊपर रहे। नहीं। 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 ना 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 ऐसा ना ऐसा कोई बात नहीं। 177 तो में भी घासेड़ा में एक बड़ी लड़ाई हुई थी। आ, अली हसन खां जो राजसिंहा के थे, राजसिंहा गांव जब टूट गया, दूसरी लड़ाई राजसिंहा और तीसरी लड़ाई आठ नवंबर को घासेड़ा में हुई थी तो अंग्रेज़ों ने जब पता चला तो उन्होंने कैप्टन रांगटन को भेजा और वो कुमायूँ रेजिमेंट और हार्सन हॉर्सेज उन सबको को ले कर आए और कुतुब मेलावास एक गाँव है नॉर्थ ईस्ट में घासेड़ा के तो और, और रिवासन के ईस्ट में पड़ता तो रिवासन को उन्होंने आग लगा दी और वहाँ कैंप डाला और वहाँ से दो हिस्सों में बटकर फ़ौज ने घासेड़ा पे हमला किया और जब रिवासन की तरफ से फ़ौज आई तो जो मेव क्रांतिकारी थे वो तो उस पर टूट पड़े तो उसको भगाने ही वाले थे कि उधर से पीछे से दूसरी उसने गांव पे हमला कर दिया उसके बाद कोई डेढ़ सौ आदमी क्रांतिकारी वहाँ मारे गए अंग्रेज़ भी मारे गए लेकिन उसके बाद क्रांतिकारी पीछे हट गए और गाँव पर कब्जा हुआ तलाशी हुई तो कुछ फौजी जुराब और वर्दियाँ कुछ बेल्ट मिली उनको और जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो जो ब्रिटिश सेना से जो डिफेक्ट करके आए थे सिपाही उन्होंने यहाँ पर मोर्चा लगाया था और अली हसन खबार का जिन ने ये उसका उसको लीड किया था उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो आ, अंग्रेजों की किसी तोप खाने की किसी टुकड़ी के इंचार्ज थे तो इससे ये जाहिर होता है कि वो सिपाही थे और वहाँ से डिफेक्ट करके यहाँ आए और यहाँ उन्होंने लड़े मोर्चा लगाया क्रांति में भाग लिया और डेढ़ सौ लोगों ने अपनी कुर्बानी दी तो उस समय भी मैं ये मानू कि दिल्ली से होते हुए अगर अंग्रेजों को हरियाणा आना होता तो बीच में ये इलाका पड़ता ही पड़ता ही अठारह सौ सत्तावन में तो अलवर और दिल्ली के बीच में यही मेवात था और मेवातियों ने उनकी डाक को लूट लिया था इधर से भी अपनी सीमा को सील कर दिया और उधर से भी सील कर दिया ना अलवर वालों की धर आने दिया ना अंग्रेजों को तो अंग्रेजों ने फिर सोना में आकर कैंप डाला और जब जब सोना पर मेव क्रांतिकारियों का, का ध्यान गया तो फिर अलवर से भी कुछ घुड़सवार और ब्रिगेडियर जनरल सावर्स जो यहाँ आए थे मेवों को दबाने के लिए और उन्होंने ही सोना कैम्प कायम किया तो वो अपनी डायरी में उन्होंने बाकायदा लिखा है कि जब से मैं इस ज़िले में दाखिल हुआ हूँ हर वक्त मेव घुड़सवारों के हमले का डर लगा रहता है और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि हमारे लिए माल की सुरक्षा दूसरे नंबर पर है मतलब कि पहले नंबर पर तो हमें अपनी सुरक्षा की चिंता है दूसरे नंबर पर माल की सुरक्षा है। उसके बाद कैप्टन डरमंड को यहाँ का इंचार्ज बनाया और उन्होंने बार खम्बे वाली एक मस्जिद है सोना के नॉर्थ में उसमें अपना कैंप डाला और वहाँ से वो उसने रोपड़ा का और फिर पिनंगवा महू इन सब पर कार्रवाई की तो ये छोटा सा इलाका था उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का था मतलब आप समझिए कि बादशाहपुर से और नौगांव तक का ये एरिया एक लाख दस हज़ार आबादी थी उन लोगों ने सात युद्ध अंग्रेजी के फौज से लड़े तो ये कोई कम बड़ी छोटी बात नहीं है और तकरीबन दस हज़ार लोग उसमें शहीद हुए और जब तक वो सक्रिय रहा अंग्रेज़ों की नींद हराम रही क्योंकि दिल्ली के नज़दीक थे तो सबसे बड़ा ख़तरा बनकर में रहे थे उसमें तो आपने गांधीग्राम घासेड़ा के इतिहास के बारे में जाना मेवातियों के संघर्ष मेवातियों के त्याग मेवातियों के देश प्रेम के बारे में जाना इस यात्रा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ इस सूबे के और भी हिस्सों की कहानियाँ और भी हिस्से के किस्से आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा आप सभी को राम राम भारत माता की जय